अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहां भी हैं अल्लाह पाक आपको अमन ओमान खैर वफीत से रखे। आज हम जा रहे हैं वादी नमार, ये रियाद में ही है। और अगर आप रियाद में न्यू हैं तो अभी तक वादी नमार नहीं गए तो ज़रूर जाइए, यहां बहुत ही अच्छी जगह है बारबेक्यू के लिए। इसके अलावा आप पिकनिक वगैरह मनाने के लिए यहाँ जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप कि आप वीडियो एंजॉय करेंगे। Thank you.
जा रही है, काफ़ी मुश्किल है यहाँ से सफाई वगैरह करना। गन डालना आसान है और सफाई करना बहुत ही मुश्किल, और वो भी ऐसी जगह से। अभी हम वादी नमार के टॉप पे आ गए हैं, ये देखें वादी नमार पूरी यहाँ से नज़र आती है, यहाँ से चुन्नू सी नज़र आ रही है, छोटी सी लेकिन रियल में काफ़ी बड़ी है ये। तो देखें बहुत ही प्यारा व्यू है, अगर आप आते हैं तो यहाँ ऊपर टॉप पे भी आके यहाँ से देखें, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आता है। यहाँ जो आबशार है वो भी खुलती है, वाटरफॉल जो है काफ़ी बड़ा है यहाँ, वो आई थिंक असर के बाद खुलते हैं, अभी असर का टाइम नहीं हुआ। वी आर गोइंग डाउन और शाम का टाइम हो चुका है, हम थोड़ी देर तक निकलेंगे। वादी नमार का फुल व्यू मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं। असर के बाद जो है खोली जाती है, ऑन की जाती है पीछे से टॉप से नीचे तक, ये नेचुरल नहीं है। ये देखें ये है वो आबशार वाटरफॉल जो इस वादी नमार को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलूंगी किसी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।